इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना को लेकर एक बार शायद बुरे दिनों से गुजरने के इम्कान नजर आ रहे हैं। आवाम के दिल में पॉजिटिव केसेस से भी ज्यादा कारोबार का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, दो वक्त की रोटी का क्या होगा, ऐसे सवाल आम खड़े। लिहाजा बेलगाम शहर और अतराफ में कोरोना मरीजों में जबरदस्त इजाफे की बात कही जा रही है। खैर, रियासत में कई जिले में रात के कर्फ्यू का ऐलान कर्नाटक हुकूमत की जानिब से किया गया। यह और बात है कि रात के कर्फ्यू पर विदेशों में भारत का मजाक भी बनाया जा रहा। खैर, तमाम तफसीलात से पहले सुर्खियां। बेलगाम जिले में कोरोना मरीजों में इजाफा, ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। मुसाफिरों को टेम्पो का सहारा, सियासी सरगर्मियां जारी। कांग्रेस भाजपा चुनावी इजलासों में मसरूफ, भाजपा आपसी इख्तलाफात का शिकार। तमाम खबरों से पहले आज का अहम मौजू बहुत ही संजीदा और हम सब की जिंदगियों का मसला कहिए। वैसे तो कोरोना का दौर जारी है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज शुगर के हैं। इंसान मुख्तलिफ अमराज में मुलविस है। खैर, जिंदगी मौत बीमारी शिफा का मालिक तो अल्लाह है, पर दवा भी सुन्नत है। क्या बीमारी की गोलियां भी नकली आ चुकी हैं? सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, यह सच है कि अब लोग किस हद तक गिर चुके हैं। जमीर ईमान नाम की कोई चीज बची नहीं। इंसान की जिंदगियों से चंद रुपयों के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। बेंगलोर से हासिल इत्तला के मुताबिक शुगर के प्लास्टिक की गोलियां हासिल होने की खबर हासिल हुई है। खबर कुछ पुरानी है, पर इस ताल्लुक से आवाम को बेदार करना हमने जरूरी समझा। अक्सर बुजुर्ग लोग शुगर के मरीज होते हैं, लिहाजा अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए दवाइयां गोलियां के सहारे किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करते रहते, अपने पेट को काट कर कई गरीब मजदूर गोलियां खरीदते रहते। अगर ये कहा जाए कि तुम जो गोलियां खा रहे हो वो प्लास्टिक के हैं, तो वाकई सोचने की बात है कि आखिर इंसान कहां तक और किस हद तक गिरता जा रहा है। वाज़ह है कि रामचंद्रन नाम के इस शख्स ने नामवर मेडिकल दुकान से गोलियां खरीदी और जब खाया, अक्सर शुगर के मरीज हर रोज गोलियां लेते हैं पर दूसरे दिन भी गोली खाई तो पेट में एसिडिटी की वजह से उल्टी हुई, तो पहले दिन की गोली और दूसरे दिन की गोली दोनों बाहर है। लिहाजा इसे चेक किया गया तो गोली प्लास्टिक की मालूम हुई। खैर, उस मेडिकल दुकान की तहकीक जारी है, पर सवाल यह उठता है कि आखिर कितनी गोलियां कितने लोगों ने खाई होगी और कितनों की जान चली गई होगी। महज गोलियां नहीं बल्कि शक्कर, अंडे, यहां तक कि चावल भी प्लास्टिक के होने की खबरें बारह हासिल हो रही है। लिहाजा यह हम किस दौर में जी रहे हैं कि जहर को भी खरीद कर खाया जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि इन फर्जी और नकली चीजों को उमूमन पहचाना भी नहीं जाता, बिल्कुल असली की तरह नजर आते। कुछ ही महीने प्लास्टिक के अंडे बेलगाम में हासिल होने की भी खबर थी। हम सबको बहुत चौकन्ना होना चाहिए। पहले ही क्या इंसान की परेशानियां कम है जो आप प्लास्टिक की नई नई शक्ल इख्तियार कर जिंदगी को और मुश्किल करने के लिए आ रहे हैं। खैर, खबर कुछ महीने पहले की है, इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बहुत पुरानी खबर है, लेकिन इस बारे में आगाह करना जरूरी है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी चीजों पर तवज्जो ध्यान देना भूल जाते हैं। लिहाजा हमने इस खबर के जरिए आवाम को बेदार करने की कोशिश की है। जिस गोली में आप अपनी जिंदगी तलाश रहे, कहीं ये गोली आपके मौत का सबब ना बन जाए। खैर, तमाम गैर कानूनी मामलों की तय तक जाना हुकूमत इंतजामिया का काम होता है, पर हर मुकदमा में जमीर फरोश बेगैरत लोगों की पकड़ होने की वजह से असल मुजरिम तक पहुंचते पहुंचते इंसाफ ही दम तोड़ जाता है। पहले तो आज कल दो वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल है। गरीब मजदूर किसान किसी तरह गोलियां दवाइयां खरीदता है, उसे क्या पता कि मेहनत मशक्कत के बाद किसी तरह जिंदा रहने के लिए जहर को खरीदा जा रहा। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत से, इंतजामिया से जो भी मरीजों की जिंदगियों से चंद रुपयों के लिए खिलवाड़ कर रहा है, इनका सही पता लगाना, वरना कोरोना जैसे मर्द से मरना तो बहुत दूर की बात है। कई प्लास्टिक की गोलियां खाकर ही मौत की आगोश में बड़ा तबका न चला जाए। बेलगाम शहर और अतराफ में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की इत्तला हासिल हुई है। 100 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा बताया जा रहा है। अब आवाम काफी परेशान है। आवाम परेशान इसलिए नहीं है कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का आवाम को कहीं पर भी डर नजर नहीं आ रहा। अगर वाकई डर होता तो या यात्रा मेलाओं में हजारों की भीड़ नजर नहीं आती, और यह भी अहम है कि किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं देता। सियासी लीडर भी इन यात्राओं में शरीक होते रहते हैं, पुलिस बंदोबस्त भी रहता है। अब आवाम परेशान इसलिए है क्योंकि कारोबार का
क्या होगा, रोजी का क्या होगा? क्या कोरोना भूख से ही मार देगा? वैसे तो रियासत कर्नाटक की यूरोपा हुकूमत ने अजीबोगरीब रात का कर्फ्यू लगाया है। 6 शहरों में रात का कर्फ्यू जारी है। कल शनिचर से 6 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। खुशी की बात है, बेलगाम का नाम नहीं है, पर यह खुशी भी वक्ती है क्योंकि बेलगाम लोकसभा चुनाव की वजह से बेलगाम में रात का कर्फ्यू नहीं लगाया गया। वैसे भी कोरोना और इलेक्शन का बहुत पुराना याराना है, पर जब 17 तारीख को चुनाव खत्म होगा तो फिर बेलगाम में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बेलगाम शहर सामराइटेस में ही 35 पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। इसी तरह से जेएनएमसी हॉस्टल में भी पॉजिटिव मरीज पाए जाने से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मुस्तकिल 100 के पार मरीजों की तादाद पिछले 3 दिनों से पाई जा रही। ईद त्योहारों के मौके पर इस तरह कोरोना मरीजों में इजाफा होना आवाम की परेशानियों को बढ़ा रहा है, क्योंकि ईद त्योहार में ही बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल होती है। वाजर है कि रमजान में करोड़ों की उलाढाल बेलगाम बाजार में होती है। ताजीर परेशान कोरोना से कम और हुकूमत की पाबंदियों से ज्यादा नजर आ रही है। लिहाजा किसी तरह का लॉकडाउन ना करते हुए एहतियाती तजावीर के जरिए कोरोना पर काबू पाने का मशवरा आवाम की जानिब से दिया जा रहा है। क्या ये भी रमजान यूं ही कोरोना के नजर होगा क्या, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी रही। ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन की हड़ताल आज जुमा को तीसरे दिन दाखिल हुई। सरकारी बसें आज भी सड़कों से गायब। रिवाजर है कि 6ठे पे कमीशन को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से बेमुदत हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वैसे तो मुतबादिल ट्रांसपोर्ट है ना, टेम्पो, ट्रैक्स, मिनी बस, जीप और दिगर प्राइवेट गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। प्राइवेट गाड़ियों में किराया भी ज्यादा लेने की खबर हासिल हो रही है। सरकारी बसेस बंद होने से प्राइवेट गाड़ियों ने बेलगाम मरकजी बस अड्डे पर कब्जा कर लिया है। उधर वजीर आला येडियुरप्पा ने किसी तरह मुतालबा नहीं मानने से इनकार करते हुए कहा कि तकरीबन मुतालबात को मंजूर किया गया, इसके बावजूद भी क्यों एहतजाज किए जा रहे। वही भाजपा के वजीर के एस ईश्वरप्पा ने आज हुगली में इस बंद को भी साजिश करार दिया। वजीर आला ने अगर हड़ताल को वापिस नहीं लिया गया तो एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई करने का इशारा दिया। जो भी हो, पर आवाम को इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना, लॉकडाउन, बसों की हड़ताल, इन तमाम की कीमत तो आवाम को ही चुकानी पड़ रही है। सियासी घमासान जारी है दोनों पार्टियों की जानिब से। जीतने के दावे भी किए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की चुनाव रैलियां भी जोरों पर है। वही एमईएस भी समर्थन जुटाने में कामयाब होती दिखाई दे रहे। पिछले 30 सालों के बाद पहली मर्तबा एमईएस के नौजवान काई शुभम शेड़के को शेर का निशान मिला है, क्योंकि अक्सर इससे पहले भी देखा होगा कि एमईएस और शेर का निशान इस तरह से जो है वो पहले चुनाव जीता करते थे। अवामी हिमायत भी शुभम शेड़के को हासिल होती दिखाई दे रही। कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली ने हर हाल में जीत होने का भरोसा जिताया, तो भाजपा की जानिब से भी मंगला अंगड़ी की जीत होगी ऐसा कहते हुए भाजपा लीडर अरुण सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली को महज शिकस्त ही नहीं देंगे बल्कि डिपॉजिट भी जब्त किया जाएगा ऐसा कहा। अरुण सिंह ने एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए सतीश जारकीहोली को हिंदू रस्म रिवाज के खिलाफ बोलने वाला कहा। कांग्रेस उम्मीदवार को हिंदू विरोधी बताया गया। साफियों को जवाब देते हुए अरुण सिंह ने अपनार पाटिल पर कार्रवाई की बात कही और अभी इसे पार्टी से निकालना बेहतर नहीं होगा, वक्त आएगा तो इसे सबक भी सिखाया जाएगा। वाजा रहे कि एकनाथ पाटिल भाजपा के ही एमएलए हैं जो भाजपा विरोधी बयान अक्सर देते रहते हैं। अरुण पाटिल ने 5 और रियासतों में भाजपा की जीत यकीनी बताते हुए सतीश जारकीहोली का डिपॉजिट जब्त होगा ऐसा कहा। वही कांग्रेस का ही डीके शिवकुमार ने सतीश जारकीहोली की जीत यकीनी बताते हुए भाजपा की गलत नीतियां और मनमानी फैसले पर तंज किया। कांग्रेस फिर से इख्तदार पजीर होने की भी बात कही। कांग्रेस एमएलए जनाब फिरोज शेख ने भाजपा किस तरह नफरत का खेल खेलती है इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। खानापुर के एमएलए मोहतरमा अंजलि निंबाकर ने सतीश जारकीहोली की जीत के लिए खासबाग में आवाम से घर घर जाकर कांग्रेस को जिताने की मांग की। कांग्रेस भाजपा मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है, पर फैसला तो 2 तारीख को ही सामने आएगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।